नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति ढलवेज। इस बुलेटिन में आज बात होगी 2019 के लिए कांग्रेस की माथापच्ची की, बीजेपी को मात देने के लिए मायावती की रणनीति की, जानेंगे कि राजस्थान में बीजेपी को किस पर है विश्वास, शिवराज पर क्यों भड़के दिग्विजय सिंह, और आखिर में बात शहादत के बदले की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 2019 के लिए कांग्रेस की माथापच्ची। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में मिशन 300 पर हुई चर्चा। सोनिया गांधी और पी चिदम्बरम ने दिया गठबंधन मंत्र, राहुल ने बड़बोले नेताओं को दी हिदायत। राफेल डील पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को फिर घेरा, बोले डील को लेकर पर्दे के पीछे चल रहा है खेल, कीमत पूछने पर असहज हो जाते हैं पीएम। ट्विटर पर अपने प्रशंसकों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, समर्थकों को कहा आपसे शक्ति मिलती है, अब और अधिक मुस्कुराऊंगा। ग्रेटर नोएडा के बाद अब गाजियाबाद में गिरी इमारत, 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरने से हादसा, मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका, राहत और बचाव कार्य जारी। और अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी का शिवलिंग पिघला, 21 दिन पहले ही गायब हुए बाबा बर्फानी, 29 जून से शुरू हुई थी यात्रा। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद आज राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक की। इस दौरान आगामी चुनाव के मद्देनजर रणनीति तैयार की गई, साथ ही इसमें आम सहमति बनाई गई कि राहुल गांधी पार्टी के लिए चुनाव से पहले और चुनाव के बाद गठबंधन पर सभी फैसले ले सकते हैं। वह इस बैठक में सोनिया गांधी से लेकर मनमोहन सिंह, चिदम्बरम तक सभी ने अपनी बात रखी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद हाल ही में 53 सदस्यीय कार्य समिति का गठन किया गया था, जिसके बाद CWC की अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम, मनमोहन सिंह समेत अन्य सभी नए चेहरे भी शामिल हुए थे। आज की इस बैठक में आगामी चुनाव के मद्देनजर सभी से विचार विमर्श किया गया। बैठक में जहां मॉब लिंचिंग से लेकर किसानों तक हर मुद्दे पर बात हुई, तो वहीं पार्टी का जनाधार बढ़ाने पर भी बल दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इस समय कांग्रेस पार्टी के लिए वोट आधार बढ़ाना सबसे बड़ा काम है। हमें हर संसदीय क्षेत्र में जाकर न केवल लोगों को सरकार की सच्चाई बतानी होगी, बल्कि उन लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बनानी होगी जो हमें वोट नहीं करते। उन्होंने कहा कि दिल्ली सहित दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस की एक जैसी पॉलिसी होनी चाहिए। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने पार्टी के कुछ नेताओं को गलत बयानबाजी न करने की हिदायत भी दी। राहुल गांधी के अलावा इस बैठक में पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने गठबंधन का मंत्र दिया है। सोनिया गांधी ने जहां समान विचार वाली पार्टियों को एक साथ आने का आह्वान किया है, तो वहीं चिदम्बरम ने बैठक में प्रेजेंटेशन देकर कहा है कि अगर बड़ा गठबंधन होता है तो UPA 300 सीटें जीत सकता है। वहीं CWC की बैठक में मनमोहन सिंह ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि PM मोदी आत्म प्रशंसा करने की बजाय किसानों की आय दोगुनी करने पर ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आय तभी बढ़ेगी जब कृषि क्षेत्र की विकास दर 14% पहुंचेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। आगामी चुनाव से पहले आज राहुल गांधी ने कार्य समिति की अहम बैठक बुलाई, जिसमें सरकार को कैसे मात दी जाए इस पर रणनीति तैयार की गई। वैसे बीजेपी को शिकस्त देने के लिए BSP सुप्रीमो मायावती ने भी बड़ा ऐलान किया है। मायावती ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए BSP सभी राज्यों में गठबंधन पर फोकस करेगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पटखनी देने के लिए विपक्षी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विजय अभियान पर रोक लगाने के लिए BSP ने भी रणनीति तैयार की है। पार्टी ने फैसला लिया है कि साम दाम दंड भेद की नीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाली बीजेपी को मात देने के लिए कुछ भी करना पड़े तो किया जाएगा, किसी से भी हाथ मिलाना पड़े तो मिलाया जाएगा। BSP कोऑर्डिनेटर की बैठक में पार्टी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मंथन किया, जिसके बाद ये ऐलान किया गया है कि पार्टी सभी राज्यों में अन्य दलों से गठबंधन या समझौते की नीति पर अमल करेगी। साथ ही इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं को हिदायत भी दी कि कोई भी गठबंधन पर कुछ नहीं बोलेगा, जो भी बताना और कहना होगा वो खुद कहेंगी। इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी ने जहां लोकसभा और विधानसभा चुनावों को देखते हुए अपने पत्ते खोल दिए हैं, तो वहीं इस बैठक में मायावती ने एक और निर्णय लेते हुए कभी करीबी रहे जयप्रकाश सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपको बता दें कि जयप्रकाश सिंह ने राहुल के विदेशी होने को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में जयप्रकाश सिंह को सभी पदों से हटा दिया था, जबकि अब उन्हें निष्कासित ही कर दिया गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव पर भी मायावती की नजर है।
इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होने हैं, जहां बीजेपी को शिकस्त देने के लिए बीएसपी समेत सभी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बीच राजस्थान में बीजेपी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सीएम उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर वसुंधरा राजे पर विश्वास जताया है। राजस्थान में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। इसलिए चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने कमर कसते हुए इस बात का ऐलान कर दिया कि पार्टी इस बार भी वसुंधरा राजे के चेहरे के साथ ही चुनावी मैदान में उतरेगी। बीजेपी ने 2003, 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में भी राजे के चेहरे पर भरोसा जताया था, जिस पर राजे भी बीजेपी के भरोसे पर खरी उतरी और पार्टी को जीत दिलाई। इसलिए अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में घोषणा करते हुए राजे के नाम पर मुहर लगाई है। बताया जा रहा है कि जयपुर में विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों से मुलाकात कर लंबे विचार विमर्श के बाद शाह ने यह फैसला लिया। इस बात का ऐलान करते हुए शाह ने दावा भी किया कि राजे के नेतृत्व में इस बार 200 में से 180 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 165 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार शाह का लक्ष्य बड़ा है। ऐसे में जाहिर है कि मेहनत भी ज्यादा करनी होगी, इसलिए तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो 18 घंटे काम करें, जनता के बीच जाएं और उन तक सरकार की उपलब्धियां गिनाएं। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस अफवाहें फैलाने का काम कर रही है, जो कि लोकतंत्र पर अघोषित हमला है। ऐसे में इससे निपटने के लिए सभी एकजुट रहें और कांग्रेस के हर वार का मुंहतोड़ जवाब दें। अब बीजेपी के चाणक्य ने सीएम उम्मीदवार के ऐलान के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र तो दे दिया है, लेकिन शाह की ये रणनीति कितनी सफल हो पाती है, ये चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा। दिव्य लाइव की रिपोर्ट। अब बीजेपी वसुंधरा के सहारे आगामी चुनाव में 180 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन जनता उसका साथ देती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे तीन तलाक के मुद्दे पर कांग्रेस ने जो दांव खेला है, उस पर बीजेपी क्या फैसला लेती है, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हैं। कांग्रेस ने शर्त रखी है, अगर सरकार गुजारा भत्ता प्रावधान लाती है तो पार्टी विधेयक का समर्थन करेगी। दरअसल पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी, जिसके जवाब में कानून मंत्री ने राहुल पर पलटवार कर कहा कि आप महिला आरक्षण बिल के लिए आवाज उठा सकते हैं, तो तीन तलाक और निकाह हलाला संबंधी विधेयकों को पारित करने में मदद क्यों नहीं करते। इस पर अब कांग्रेस ने नया दांव खेलते हुए बिल को समर्थन देने की बात कही है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कहा कि पार्टी सरकार का साथ देगी, बशर्ते सरकार को गुजारा भत्ता लाना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण बिल विधेयक के बदले तीन तलाक विधेयक की शर्त रखकर सौदेबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि हम कभी भी तीन तलाक विधेयक के विरोध में नहीं थे, लेकिन सरकार जो बिल लाना चाहती है वो सही नहीं है। अगर महिला के पति को जेल भेज दिया जाएगा तो महिला और उसके बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा। ऐसे में जरूरी है कि सरकार इनके लिए गुजारा भत्ते का प्रावधान करे। अगर संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो हम इस विधेयक का बिल्कुल समर्थन करेंगे। यानी कि साफ है कि अब गेंद सरकार के पाले में है। सरकार को सोचना होगा कि बिल पास करने के लिए गुजारा भत्ता लाया जाए या नहीं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद तीन तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण विधेयक लाया गया था, जिसे लोकसभा में तो सरकार ने पास करा लिया था, लेकिन ये बिल राज्यसभा में लंबित है। दिव्य लाइव की रिपोर्ट। तीन तलाक बिल के सहारे बीजेपी 2019 में अपनी नई अपार लगाना चाहती है, मगर अब कांग्रेस ने नया दांव खेलकर सरकार को फंसा दिया है। बिहार में नीतीश कुमार भी आरक्षण कार्ड खेलकर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अपने पाले में लाना चाहते हैं। इसीलिए तो सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण देने का फैसला किया है। दरअसल पिछले महीने 5 जून को सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के लिए प्रमोशन में आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि कानून के मुताबिक प्रोन्नति देने पर सरकार पर कोई रोक नहीं है। हालांकि ये सब कोर्ट के अगले आदेश के अधीन रहेगा, यानी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर अगला आदेश जारी नहीं कर देता, आरक्षण व्यवस्था बरकरार रहेगी। कोर्ट के इसी फैसले का लाभ उठाते हुए अब बिहार में नीतीश सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण देने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि नीतीश सरकार ने कोर्ट के आदेशों के संदर्भ में पहले केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से सलाह ली थी, जिसके बाद नीतीश कुमार ने सरकारी सेवाओं में प्रमोशन में आरक्षण देने का फैसला लिया।
वैसे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी प्रोन्नति में आरक्षण की वकालत करते रहे हैं, लेकिन नीतीश के इस कदम को सियासी दांव के तौर पर ही देखा जा रहा है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार ने दलितों और आदिवासियों को रिझाने के लिए यह निर्णय लिया। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में दलितों की आबादी 16% है, जबकि आदिवासी समुदाय 1.3% है। ऐसे में जाहिर है कि राजनीतिक रूप से ये कदम काफी महत्वपूर्ण है। डीवी लाइव की रिपोर्ट। चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। सरकारें वोट बैंक बढ़ाने के लिए जहां तरह तरह के ऐलान कर रही है, वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। मध्य प्रदेश में भी इसकी गूंज खूब सुनाई दे रही है। पिछले दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह को देशद्रोही कहा था। इस पर अब दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कहा है कि या तो वो सबूत दे या फिर माफी मांगे। दरअसल पिछले दिनों जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर शब्द बाण छोड़ रहे थे, लेकिन इस दौरान बोलते बोलते वो दिग्विजय सिंह के खिलाफ कुछ ऐसा बोल गए जिस पर अब अखेड़ा खड़ा हो गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के कुछ कदम उन्हें देशद्रोहियों जैसे लगते हैं। उनके इस बयान से भड़के दिग्विजय सिंह ने उन्हें पत्र लिखा है। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने ट्विटर पर लिखा, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह जी मुझे देशद्रोही मानते हैं। जहां तक मुझे मालूम है, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसकी वजह से मेरे विरुद्ध संवैधानिक पद पर विराजमान मुख्यमंत्री जी की नजरों में मैं देशद्रोही की श्रेणी में आता हूँ। फिर भी हो सकता है कि मुझ पर इतना गंभीर आरोप लगाने के लिए उनके पास पुख्ता सबूत होंगे, अन्यथा वे मुझ पर इतना गंभीर आरोप नहीं लगाते। उन्होंने आगे लिखा, मैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने आप को 26 जुलाई को भोपाल के टीटी नगर थाने में प्रस्तुत करूंगा, ताकि सबूतों के आधार पर मध्य प्रदेश शासन मुझे गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दिलवाए। उन्होंने यह भी लिखा कि यदि शिवराज जी ने बिना सबूत मुझ पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया तो उन्हें मुझसे सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा मुझे माननीय अदालत की शरण में जाना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह की इस चिट्ठी का अब सीएम क्या जवाब देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात शहादत के बदले की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने कांस्टेबल सलीम शाह को किडनैप कर उनकी हत्या कर दी थी। इस वारदात के बाद गुस्साए सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ कुलगाम में ऑपरेशन चलाया, जिसमें उन्हें सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने कई घंटों चले ऑपरेशन के बाद शहीद सलीम की हत्या का बदला ले लिया। मुठभेड़ में जवानों ने उन 3 आतंकियों को ढेर कर दिया जिन्होंने सलीम शाह का कत्ल किया था। सलीम से पहले जांबाज शहीद औरंगजेब के साथ भी ऐसा ही किया गया था। डीवी लाइव की रिपोर्ट। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरें जानने के लिए लॉगिन करें dvlive.tv। नमस्कार।